आज की वीडियो पे बताने वाली हूँ कि इन ड्राइवर ऐप एप्लीकेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता है कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे हम कैसे यूज करें। अगर यहाँ पे हमको बुक करना है कोई भी कैब या बाइक या कुछ भी बुक करना है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के जाने के लिए। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल ना करना, क्योंकि वीडियो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन यहाँ पे सिंपली तरीके से ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन को यहाँ पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है इन ड्राइवर ऐप, तो आप इसको यहाँ पर सर्च कर लें। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टॉल, इंस्टॉल कर लें इसको इस एप्लीकेशन के यहाँ पे आप। अगर आपको यहाँ पे ये आपको ये प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर इन ड्राइवर ऐप एप्लीकेशन नहीं मिलता है, तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग वेट कर लें। इन ड्राइवर ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। मुझे अब यहाँ पे ओपन वाले बटन को टैप कर लेना है, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पे एंटर हो जाना है। फिर ये एप्लीकेशन अब यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वाइन एस BA VI फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो मैं अपना यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देती हूँ। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को टैप कर लेना, तो इसको मैं यहाँ पे टैप कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग प्रोसेसिंग हो रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना चूज मेथड, आपको यहाँ पे आपका व्हाट्सअप एप्लीकेशन यहाँ पे करना होगा। अब आपके व्हाट्सअप एप्लीकेशन के अंदर एक यहाँ पे लॉगिन आपको यहाँ पे कोड आया, तो आप इसको यहाँ पास देख के अपना फिल कर दें। तो मैं इसको यहाँ पास फिल कर देती हूँ। ये रिक्वेस्टिंग प्रोसेसिंग, मतलब ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे एंटर हो गया, मतलब यहाँ पे ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से इसको अलाउ वाले बटन के यहाँ पे टैप कर लेना है, इसको अलाउ कर लें आप। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लें आप लोग। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट योर सिटी, अब आप अपने यहाँ सिटी सेलेक्ट कर लें। तो मैं अपना यहाँ पे सतना यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वाले बटन को टैप कर लेना है। अब आपको यहाँ पे पैसेंजर के लिए है कि ड्राइवर के लिए, तो आप यहाँ पे पैसेंजर हैं तो आप यहाँ पे पैसेंजर वाले ऑप्शन को टैप कर ले। तो मैं यहाँ पे पैसेंजर वाले ऑप्शन को यहाँ पे टैप कर लेती हूँ। अब आपको अपने यहाँ पे फर्स्ट नाम लास्ट नेम इंटर करना है, तो अपना मैं फर्स्ट नाम यहाँ पे डाल देती हूँ, लास्ट नेम मैं अपना यहाँ पे डाल देती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही अपना फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ पे डाल दें और नेक्स्ट वाले बटन को टैप कर दें। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो गया इन ड्राइवर ऐप एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब आपको यहाँ पे क्या बुक करना है, कार बुक करना है या इंटरसिटी। आपको अगर यहाँ पे कार बुक करना है तो कार भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ कार ही यहाँ पे बुक हो सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ। अब आपको यहाँ पे पहले करना होगा पिकअप लोकेशन, आपको यहाँ पे लोकेशन क्या है। अगर आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन डालना है, आप यहाँ पे ऑफर भी डाल सकते हो, आपको यहाँ पे ऑफर डालना है। अगर आप यहाँ पे कमेंट करना है आपके पास क्या है, लगेज है, बैग है, जो भी आप अपने यहाँ पास कर सकते हो। अब अपना यहाँ पे इंटरसिटी के लिए अगर आपको यहाँ पे बुक करना है, तो आपको यहाँ पे अपना होगा, आपको यहाँ पे पिकअप एड्रेस देना होगा। आपको इंटरसिटी में अगर यहाँ पे ट्रेवल करना है यहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करना होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस करना होगा, मतलब आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे पिकअप एड्रेस करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना नंबर भी डालना होगा। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या लगेज है क्या है। अब अपना ऑफर भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा ऑफर है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे ऑफर डाल सकते हो कि मुझे इतने रुपए में यहाँ तक जाना है। अगर उसको ये चीज़ यहाँ पे सही लगता है तो ऑलरेडी वहाँ पे आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कैब बुक करना है तो कैब के लिए अब आपको यहाँ पे पिकअप वाला एड्रेस डालना होगा पहले। फिर आपको यहाँ पे पिकअप वाले आपको जाना कहाँ है, आप अपना नंबर भी डाल सकते हो, सब चीज़ें आपको यहाँ पे हो जाएगी। आप यहाँ पे अपना माई ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पे किया है कोई भी ऑर्डर कुछ किया है या आपको क्रिएट रिक्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पास करके आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रोफाइल आइकॉन पे यहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल वाला आइकॉन भी जा सकते हो, अपने प्रोफाइल में पूरा सेटअप करना है। आपका नाम है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, अपनी ईमेल, अपना यहाँ पे सिटी, यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते। आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर देती हूँ।
आप लोग भी ऐसे अपने प्रोफाइल आई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पे सेव कर दें। अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल भी सेव करना, तो आप अपना यहाँ पे ईमेल भी सेव कर दें। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे ईमेल कर देती हूँ। अब आपके यहाँ पे ईमेल पे एक वेरीफाई आएगा, ईमेल आया होगा, तो अब मुझे ईमेल एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन करके आई मीन वेरीफिकेशन कोड यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक आ गया ईमेल टू यूज इन ड्राइवर ऐप एप्लीकेशन का। यहाँ पे कंफर्म करना होगा ईमेल में। जब आप यहाँ से कंफर्म कर दोगे तो ऑलरेडी वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग वेट कर लें। आप देख सकते हैं योर ईमेल इज सक्सेसफुल वेरीफाई, मेरा ईमेल यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। अब मुझे इन ड्राइवर एप्लीकेशन फिर से यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपना अब अगर अपनी सिटी यहाँ पे चेंज करना तो अपनी यहाँ पे सिटी चेंज कर सकते हो। तो मैं अपनी यहाँ पे सिटी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सतना मैं अपना ऐड कर देती हूँ। अब मैं मेरा प्रोफाइल जो है पूरा ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, अब आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इंटर सिटी पे जाना है, ट्रेवल करना, तो कर सकते हो। रिक्वेस्ट हिस्ट्री देख सकते हो, अपना सेफ्टी देख सकते हो, सेटिंग में भी जा सकते हो। अब अपना यहाँ पे पूरा अपना डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कैब बुक करना है तो आप अपना यहाँ पे कैब बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे आसानी तरीके से आप अपनी यहाँ पे लोकेशन, पिकअप लोकेशन, आपको जाना कहाँ है, अपना ऑफर ए फेयर कमेंट, आप सब कुछ यहाँ पे फिल कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर आपको इन ड्राइवर ऐप एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना तो कैसे कर सकते हो, कैसे इस एप्लीकेशन के यहाँ पे यूज करना है, आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे कैसे यहाँ पे इंटर होना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।